हेलो दोस्तों, इंद्रिय चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अकराम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के बारे में, जो 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन के अंदर जो है ऑफ़र आपको मिलेगा। तो कौन कौन से मतलब स्मार्टफोन में जो आपको ऑफ़र मिल रहा है या कौन कौन सी कंपनी सिर्फ बता रही है लेकिन वो ऑफ़र नहीं है और कौन से फ़ोन जो आपको ख़रीदना चाहिए, वो सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट में आपको जो है मिल रहा है इंस्टेंट जो डिस्काउंट है वो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक का अगर आपके पास कार्ड है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों के ऊपर आपको जो है 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदो इस बिग बिलियन डेज के ऊपर। दूसरा जो है यहाँ पे Realme का Realme C2, जिसकी प्राइस कंपनी कह रही है कि 8000 रुपये है, तो इसकी अब प्राइस 8000 नहीं है, 7000 रुपये है वो, जो आपको 6000 में जो आपको मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सौदा है, ये फ़ोन भी जो आप बिल्कुल ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है बजट फ़ोन अगर आपको लेना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है Redmi का Redmi 7 है, जिसकी प्राइस है 6000 रुपये, जो आपको 5000 में आपको मिलेगा। तो ये फ़ोन भी जो है आप लेने जैसा है, ये फ़ोन भी जो है आप ले सकते हो। अगला है यहाँ पे ओनर का ओनर 8C और ओनर का 10 Lite, तो ये दोनों फ़ोन को जो आप स्किप कर सकते हो, इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी ज़ोरदार नहीं है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S9, जिसकी प्राइस है 57000, जो आपको 30000 में मिलेगा, ऐसा कंपनी का कहना है, फ्लिपकार्ट बता रहा है। अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा सौदा होगा, दोनों फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पिक्सल का गूगल पिक्सल 3A और 3A XL, ये दोनों फ़ोन जो है लेने जैसा नहीं है, इसलिए लेने जैसा नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, आपको फुल व्यू डिस्प्ले भी जो आपको नहीं मिलता फिलहाल, अभी ट्रेंड जो है फुल व्यू डिस्प्ले का है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आसूस का 5G, जिसकी प्राइस 30000 रुपये यहाँ पे बता रहा है, जो आपको 17000 में आपको मिलेगा। तो ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है, अगर आपको बजट फ़ोन के प्राइस में आपका अगर मिल जाता है तो ये भी काफ़ी अच्छा सौदा है। आसूस मैक्स M2 भी जो आप ले सकते हो, जिसकी प्राइस आपको 7000 में मिलेगी। आसूस का मैक्स प्रो M1 आप स्किप कर सकते हो। आसूस का 6G, जिसके अंदर आपको एक मैकेनिकल मैकेनिज्म वाला रोटेटिंग कैमरा जो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, तो ये भी काफ़ी अच्छा सौदा है। आसूस का मैक्स M1 उसे आप स्किप कर सकते हो, वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लेने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलमी 5 की अगर मैं बात करूं तो 11000 डिस्काउंट नहीं था प्राइस, मतलब 10000 प्राइस था, और जो आपको 9000 में आपको मिलेगा, तो वो भी जो है स्मार्टफोन आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये कुछ फ़ोन है, 3 स्मार्टफोन, तो वो इतना बढ़िया नहीं है, LG को, नोकिया 5 1, वन प्लस को, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बजट में यहाँ पे इन्फिनिक्स का हॉट 8, जो 7000 की प्राइस है, 4GB रैम और आपको 64GB आपको स्टोरेज मिलेगी, तो ये फ़ोन लेने जैसा है, तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो। उसके बाद अगर अंडर आ जाते हैं यहाँ पे मोटोरोला का वन एक्शन, जिसकी प्राइस लगभग 21-22 हज़ार के आसपास है, लेकिन वो आपको 12000 में अगर कंपनी देती है तो ये भी काफ़ी अच्छा सौदा हुआ, ये फ़ोन भी जो आप खरीद सकते हो। लिनोवो में अभी फ़िलहाल कोई भी लेने जैसा अभी फ़िलहाल जो है नहीं है, अगर बाद में अगर कोई अच्छा फ़ोन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 3000 के बीच में जो फ़ोन है वो है कार्बन का K9 Smart Plus, तो ये फ़ोन जो आप ले सकते हो। 4000 की प्राइस में आपको ये यू का यूनिक 2 Plus, तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो। बाकी बहुत सारे मतलब फ़ोन हैं, अगर आपका बजट कौन सा है आप मुझे बताना कि भाई मेरा 5000 बजट है, 3000 है, 10000 है, 8000 है, उसके बीच में आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए फ़ोन बेस्ट है। तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट जैसे ही करोगे मतलब एक दिन के अंदर में आपको जवाब जो आपको मिल जाएगा कि कौन सा फ़ोन जो है बेस्ट है। उसके बाद जो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोटेक्शन का भी मिल रहा है, अगर मतलब डैमेज वगैरह हो जाता है तो भी जो है आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक्सचेंज करना अगर आपके पास पुराना फ़ोन है, डब्बा वब्बा भी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी आप जो है एक्सचेंज कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी आपको जो है मिलेगा, चाहे वो डेबिट कार्ड क्यों ना हो, डेबिट कार्ड के ऊपर भी जो है आपको EMI जो है आपको मिल रहा है नो कॉस्ट, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको नहीं लगेगा। उसके बाद Realme 5 Pro के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो फ़ोन भी जो आप खरीद सकते हो। Vivo का Vivo G1 Pro जो अभी 13000 में आपको मिलेगा बिग बिलियन डेज में, तो ये फ़ोन भी जो खरीदने जैसा है, ये फ़ोन भी जो आप खरीद सकते हो। मैंने कुछ दिनों पहले मैंने ख़रीदा था, 15000 की प्राइस थी, जो कुछ दिन पहले 14000 भी आया था, अभी जो है 13000 में आपको बिग बिलियन डेज में मिलेगा, ऊपर से आपको इंस्टेंट कैशबैक भी आपको मिलेगा, तो लेने जैसा है, आप ये फ़ोन जो है ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आपके मन में कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करना, कौन सा फ़ोन अगर आपको ख़रीदना है, तो कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। अगर आप नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, ताकि न्यू टेक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसे न्यू टेक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।